अरे क्या तुम्हारे अबू? एक मिनट रुको, एक मिनट। क्या बात है, बन गई झाड़ू? अबे ओए, मेरी बेटी कहाँ है, निकाल उसे। अरे क्या बात कर रहे हो, कौन सी बेटी? मैं यहाँ पे अकेला खड़ा हुआ हूँ सर जी। देख मुझसे झूठ मत बोल। अरे मेरी नजर ने बेटी को देखा और बेटी की नजर भी मुझसे मिली है, और ये देखते हुए तूने भी देखा है। देख उसे तू जहाँ भी छिपाया है ना, चुपचाप बाहर निकाल, नहीं तो तेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, समझा? कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपकी बेटी को कहाँ छुपा दूंगा? जरा एक बार जरा नजर घुमाओ, पूरे में नजर घुमाओ आप। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कोई क्या आपकी नजरों से छुप के छुप सकता है? बताइए, आपको तो सब कुछ दिख रहा है ना। देख बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब भरी दोपहर में आपके साथ भी वही हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ हुआ था। तेरे साथ क्या हो गया था भाई? ऊपर देखो क्या है। अरे ऊपर क्या है, पीपल का पेड़ है, और क्या है? पीपल का पेड़ है, और सर पीपल के पेड़ में दोपहर के टाइम पे आत्माएं घूमती हैं। अभी थोड़ी देर पहले सर मैं दूर से जा रहा था, देखता क्या हूँ मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी है एक लड़के के साथ, आपके जैसी शक्ल थी उसकी, तो मैं भागा भागा यहाँ पे आया। मैं जे वहाँ पे क्या काम, मैं क्यों आता यहाँ पे? लेकिन फिर देखा वो लड़का अकेला खड़ा था, और सेम चीज देखो आपके साथ हो गई, आत्माएं अलग अलग रूप धारण कर लेती हैं फिर छलावा करती हैं। अरे बस बस, लगता है मेरे साथ भी यही हुआ है, लगता है ईश्वर का आत्मा मेरी बेटी का रूप लेके यहाँ पे खड़ी होगी, तभी मैं इधर आ गया। देख भाई मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, अब मैं जाता हूँ, अपना ध्यान रखना। ओए रुको, ये झाड़ू कौन लेके आया यहाँ पे? अरे ये झाड़ू मैं क्यों लाऊंगा, मैं कोई झाड़ू वाला हूँ, ये लाया होगा। क्यों बे, तू सोसाइटी के स्टॉक की झाड़ू यहाँ पे लेके आ गया? तुझे पता है अगर ये झाड़ू गुम हो गई तो मेरी सैलरी के ऊपर बात आ जाएगी, मैं लेके जाता हूँ इसे। अरे नहीं 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 रुको, अगर यार इसने झाड़ू को हाथ लगा दिया तो अफसाना बेगन हमेशा के लिए अफसाना बन के रह जाएगी, झाड़ू ही बनी रहेगी, मैं उसे कभी वापस नहीं ला पाऊंगा। भैया ये झाड़ू आप मत ले जाओ, वो क्या है ना मेरे घर में पूजा चल रही है और मुझे मकड़ी मारनी है, पंडित जी आ रखे हैं, अगर पंडित जी के सामने एक भी मकड़ी दिख गई तो वो पूजा से उठ कर चले जाएंगे। अरे तुझे मकड़ी मारनी है तो तू दूसरी झाड़ू ले लेना, सोसाइटी के स्टॉक की झाड़ू से तू क्यों मकड़ी मारेगा भाई? अरे भैया आप क्यों नहीं समझ रहे हो, बाजार में जो झाड़ू मिलती है ना वो छोटी होती है, और ये लंबी झाड़ू है, जाले तक यही पहुंचेगी, इसी से ही मकड़ी मरेगी, आप समझो ना प्लीज। देखो भाई ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं अंदर बिना झाड़ू के गया और मेरे बॉस को पता चल गई कि एक झाड़ू गायब है तो मेरी पूरी सैलरी कट जाएगी, 12,000 रुपए। 12,000 रुपए ना, ठीक है अगर आपकी सैलरी पे कोई भी बात आती है मेरे झाड़ू ले जाने से तो मैं आपकी पूरी 12,000 रुपए सैलरी दूंगा। 12,000? इस झाड़ू के लिए ये 12,000 देने के लिए तैयार है? इसका मतलब इस झाड़ू में जरूर कुछ ना कुछ लोचा है, मैं छुप के देखता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, तुम लोग आपस में झगड़ा करो, मैं तो चला। लगता है बेचारा बहुत मजबूर है, एक काम करता हूँ दे देता हूँ। अच्छा ठीक है मैं ना अंदर जा रहा हूँ, चुपचाप काम करने के बाद झाड़ू अंदर दे जाइयो, अगर मेरी सैलरी पे बात आई ना तो तुझे ही 12,000 देने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, चलता हूँ। बचा करके झाड़ू को टच मत करो, अफसाना के पापा भी चले गए और ये भी चला गया। अब जरा देखो तो यहाँ से कि झाड़ू का चक्कर क्या है। अरे इसने तो जादू से झाड़ू को मेरी बेटी बना दिया, इसका मतलब ये बहुत बड़ा जादूगर है और मुझसे इतनी बड़ी चालबाजी कर दी कि मेरी बेटी यहाँ नहीं है। अच्छा बेटा मैं बताता हूँ तुझे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो मैं बच गई, अगर अब्बू ने देख लिया होता ना तो वो कहते नमाज पढ़ने की बजाय इस लफंडर के साथ तू प्रेम पाठ पढ़ रही है। अरे अल्लाह का नहीं तात्या बिच्छू का शुक्र है जो मुझे बंगाली जादू आता था गुरुजी। अरे अल्लाह का तो मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू नहीं बची, समझी? Oh, no. और तेरी काली करतूत मेरे सामने आ गई। और एक बात बता, तू तो मुझे बोल के गई थी कि नमाज अदा करने जा रही हूँ, तो फिर इस लफंडर के साथ यहाँ कर क्या रही थी बता? अब्बू वो क्या है ना, मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ और इन्हीं से निकाह करना चाहती हूँ। क्या नालायक कहीं की, तू गैर मजहबी लौंडे से निकाह करना चाहती है? अरे तू जानती नहीं कि हम ऐसे गैर मजहबी पुरुष को तो देखना तो दूर, उसकी साया भी अपनी बेटियों पे नहीं पड़ने देते, और तू इससे निकाह करेगी? अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, गांव ले जाके जादूगर कमालुद्दीन से निकाह करा देता हूँ, अपने शौहर के साथ खूब जादू करना, समझी? और सुन बे लौंडे, अगर आज के बाद मेरी बेटी के आसपास भी घुमा ना, बड़ा जादूगरी करता है ना, ऐसा जादू करूंगा ना कि कुत्ता बन के गली गली फिरता पड़ेगा, समझा? चल तू। अबे ओए
तू बहुत बड़ा जादूगर बनता है ना कमीने, ऐसा जादू करूंगा ना कि तू गली में कुत्ता बन के घूमता फिरेगा अगर आज के बाद मेरी बेटी को देखा तो, समझा?